एशियाटिक एलिफेंट दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे विशालकाय प्राणी है। यह अफ्रीकन एलिफेंट से थोड़े छोटे होते हैं। इनका वजन लगभग 7000 किलो और इनकी ऊंचाई 5 मीटर की होती है। अफ्रीकन एलिफेंट की तुलना से इनकी स्पीड भी कम होती है। यह 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ठंडे इलाकों को छोड़कर यह अधिकतर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। भारत के पूरे क्षेत्र में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और पूर्वोत्तर के भारत के साथ साथ दक्षिण में इंडोनेशिया के आर्किपेलागो, बोर्निया और सुमात्रा के द्वीपों में भी ये रहते हैं। इसके साथ साथ एशिया के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य खाना और आराम करना होता है। इसी कारण से यह रेन फॉरेस्ट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के हाथी एक दूसरे की तरफ माइग्रेट करते रहते हैं। इनकी सबसे अद्भुत बात यह है कि कोई भी नया बच्चा पैदा होता है तो वह पैदा होने के 20 मिनट के अंदर ही खड़ा होकर चलने लगता है, जिसके कारण से इन्हें अपने शिकारी जानवरों से कम खतरा रहता है। बोर्निया के आइलैंड में पाए जाने वाली एशियाटिक एलिफेंट की स्पीसीज पृथ्वी की सबसे छोटी स्पीसीज है, लेकिन बोर्निया के आइलैंड की यह सबसे बड़े जीव हैं। इनकी ऊंचाई 3 मीटर और वजन लगभग 3000 किलो तक होता है। इनकी संख्या 2000 से भी कम बची है, जिस कारण से इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है।